तो दोस्तों देख रहे हैं मेट्रोपोल फ्लश वाल है, जैसे कि ये बाथरूम में फिट किया जाता है, टॉयलेट सीट में लगाया जाता है, जर्नल कमोड में लगाया जाता है। ये आपका पुश करके यानी दाब के अपना चाहिएगा तो ज़्यादा फोर्स में पानी आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने 1.5 इंची का वायरिंग किए हुए हैं, तो कैसे फिट होगा इसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि 1.25 इंची का हमारा फिटिंग है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों आज इसके बारे में आज आपको बताएंगे कि कैसे कैसे फिट किया जाता है, प्रॉपर पूरा फिटिंग करके आज आपको जानकारी पूरा देंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और पूरी जानकारी लें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र गुप्ता प्लम्बर को। तो दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं बाथरूम में मेट्रोपोल फ्लश वाल कैसे फिट करें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं जगुआर कंपनी का है, मेट्रोपोल फ्लश वाल है। इसका काम क्या करता है कि जो आप टॉयलेट सीट लगाते हैं, कमोड लगाते हैं, उसमें आप फ्लश का काम करता है यानी सिस्टर्न का। और एक बार इसको दाब कर और छोड़ देते हैं तो 8 से 9 लीटर तक पानी आपका ये गिरेगा और बंद हो जाएगा। और इसमें क्या क्या फिटिंग लगेगा आप देख रहे हैं, ये ब्रास 1.5 इंची MABT है और 1.5 इंची का ब्रास सॉकेट हो गया, और ये 1.5 सावा का रिग्रेसर बूश हो गया, और ये 1.5 इंची का एल्बो लगेगा, ये 1.25 इंची का आपका पाइप लगेगा। तो दोस्तों आज इसके पूरी जानकारी आज आपको देंगे कि इसमें कैसे इसको फिट करना है। तो चलिए हम पहले बॉक्स को खोलते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्लेट हो गया, ये आपका उसको प्लेट हो गया, जो टाइल्स लगने के बाद इसका ज़रूरत पड़ेगा, अभी इसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए इसको पहले हम साइड में रखते हैं और मेट्रोपोल फ्लश वाल को निकालते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया मेट्रोपोल फ्लश वाल, ये 1.5 इंची साइज में आपका है, ये भी 1.5 इंची है, यहाँ पे 1.25 इंची साइज है। तो चलिए इसको कैसे फिट कीजिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं एरो का चिन्ह दिया हुआ है, तो एरो का जो चिन्ह है कभी नीचे के तरफ रखना है यानी टॉयलेट सीट के तरफ रखना है, या वाल एंड कमोड लगाते हैं तो जिस तरफ कमोड लगाना है उस तरफ रखना है, इसको ऊपर के तरफ नहीं रखना है। ये तो उल्टा ऊपर की तरफ रखिएगा तो उल्टा हो जाएगा तो आपका पानी फोर्स नहीं आएगा। ये जो देख रहे हैं 1.25 इंची का फिटिंग करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ से आप 1.25 इंची का डायरेक्ट कनेक्शन ले सकते हैं, तो हम उसको इस्तेमाल आज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे इसको। ये आपका उसका मैनुअल दिया है कि कैसे कैसे आपको फिट करना है, क्या क्या उसमें खोलने का तरीका उसमें बताया जाता है। तो ये आपका सेफ्टी कवर हो गया, इसको हम बाहर निकालते हैं दोनों तरफ से। चलिए हमने इसको अब फिट करके देख लेते हैं। ये हमारा 1.5 का ब्रास FABT है और ये 1.5 का ब्रास MTA है। पहले हमने दोनों तरफ से कस के चेक कर लेते हैं कि कैसे इसको फिट करना है। यहाँ से 1.5 सावा का बूश भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं और टेप्लॉन टेप हम लगाते हैं। पहले टेप्लॉन टेप बराबर लगाना है, आपको टेप्लॉन टेप का कमी नहीं करना है, कम से कम 35 से 40 बार जरूर टेप्लॉन टेप को आपको इसमें लपेटना है, ताकि आपका लीकेज ना हो, ताकि ये अंडरग्राउंड फिटिंग किया जाता है, अगर कम आप लगाएंगे तो लीकेज हो सकता है। तो हमारा टेप्लॉन टेप दोनों में लगा चुके हैं बराबर, आप देख रहे हैं कितना टेप्लॉन टेप अच्छे से और बराबर लगा दिए हैं, इसी तरह आपको भी लगाना है। तो चलिए पहले हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा सॉल्वेंट लगाएंगे। सॉल्वेंट लगाने से क्या होगा कि आपका लीकेज नहीं होगा, जैसे कि हमने सॉल्वेंट लगा लिए। तो दोस्तों आज मैं बहुत इसमें जानकारी देंगे आपको, इसमें ये भी हम बताएंगे कि आपको हाइट कितना रखना है, फर्स्ट लेवल से कितना पे हाइट पे फिट करना है, तो आज बहुत इसमें जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों अभी हमारे चैनल में आप अभी नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं आगे नए से पुराने लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे और आप पूरी जानकारी ले सकें, कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके।
तो चलिए रिंच से हम टाइट करते हैं। पहले हल्का रिंच से बराबर टाइट कर देना है ताकि आपका लीकेज ना हो सके। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमने इसको टाइट कर दिए हैं। अब चलिए बाथरूम में चलते हैं, कहाँ इसको जहाँ फिट करना है वहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे फिट किया जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा 1.5 इंची का लाइन ऊपर से आया हुआ है टैंक से। ये हमारा टैंक से लाइन आया हुआ है 1.5 इंची का, और यहाँ देख रहे हैं कि हमने ऑलरेडी कटिंग पूरा कर चुके हैं और ऊपर से पाइप लाइन भी हमारा आ गया है। ये CPVC लाइन हमारा चल रहा है। चलिए हमने इसमें एल्बो भी फिट कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा एल्बो भी इसमें फिट हो चुका है। तो चलिए इसको जहाँ फिट करना है, आप देख रहे हैं कि हमारा जो मेट्रो पोल का पीछे का साइज जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकला रहता है, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा वहाँ पे गाढ़ा ज़्यादा कर लिए हैं, ये हमारा बिल्कुल अंदर में बैठ जाए। चलिए बराबर इसमें हम सॉल्वेंट पहले बराबर लगा लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पहले फिटिंग में सॉल्वेंट लगाए हैं, फिर अब उसके पाइप में सॉल्वेंट लगा रहे हैं बराबर। जैसे कि आपको देखना है कि हमारा 1.25 इंची अंदर घुस जाता है तो 1.25 इंची बाहर आपको सॉल्वेंट लगाना है ताकि आपका लीकेज नहीं हो, और हाफ राउंड नचा देना है कि सॉल्वेंट हमारा अंदर बराबर लग जाए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने इसको मेट्रो पोल को फिट कर चुके हैं दीवार में, और इधर का पाइप लाइन हम चलाते हैं और बताते हैं कि किसका हाइट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों देख रहे हैं हमने नाप उठा लिए हैं, हमने कैंची से इस्तेमाल करेंगे, PVC ये पाइप कटर है, इससे हमने पाइप काटते हैं तो बराबर कटिंग होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों हमने फिट कर दिए हैं। चलिए हमारा बिल्कुल ये फिट हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ तक हमारा 1.5 इंची का लाइन आ गया है। यहाँ से अब हम रेगुलेटर बूश मारेंगे, यानी 1.5 सवा का बूश यहाँ करेंगे, और यहाँ से हमारा जो लाइन हो जाएगा 1.25 इंची का। तो वाल हैंग कमोड का जो अंदर का जो रबर होता है रिंग वो लगता है वो 1.25 इंची साइज का होता है, तो हम 1.25 इंची का यहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हमारा बूश लग गया, जैसे हमारा बूश यहाँ पे फिट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं 1.25 इंची का कनेक्शन है, तो हमने 1.25 इंची का इसीलिए दे रहे हैं कि उसमें जो रिंग आता है उसमें 1.25 इंची का ही फिटिंग फिट होता है। तो यहाँ से हमने 1.25 इंची का कनेक्शन कर लेंगे। ये हमारा लाइन फिट हो चुका है। अब आपको हाइट बता देते हैं कि हाइट कितना इसको रखना चाहिए। अभी देखिए हमारा ये ज़मीन बना हुआ नहीं है, ये कोई फर्स्ट लेवल नहीं है, तो यहाँ से हमने आपको भी नाप के बता देते हैं। जैसे यहाँ से हमने आपको कनेक्शन लिया है 21 इंच पे, यहाँ से आप देख रहे हैं 21 इंची हो गया, और जो वाल हैंग कमोड हमारा तो यहाँ पे बैठेगा उसका पाइप आप देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट से आपको इसका पॉइंट आपको देना है 5.5 इंची हाइट पे, जैसे कि आप देख रहे हैं इतने हाइट पे रहेगा। ये आपका हो गया 5.5 इंची हाइट हमारा यहाँ से हो रहा है। तो आप इसमें नापने में अगर दिक्कत होता है तो यहाँ से आप नापी ले सकते हैं, यहाँ से आप कोर बाई कोर 2.5 इंची का आप नापी ले सकते हैं, और यहाँ से आप ले सकते देख रहे हैं जो वाले कमोड का पॉइंट हो रहा है हमारा 15.5 इंची है, यानी फर्स हमारा उठेगा 6 इंची पे, 6 इंची फर्स उठ जाएगा, और फर्स से आपका पॉइंट हो जाएगा 9.5 इंची पर हो गया वाले कमोड का पॉइंट, 9.5 इंची से आपका हो जाएगा सेंटर बाई सेंटर 5.5 इंची का पॉइंट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।